तपस्या करी और ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ से निकली। ये 200-300 वर्ष पहले की बात है, रजवाड़ा टाइम की। जोधपुर की राजकुमारी थी, उसके स्वप्न में ये गणेश जी का दर्शा हुआ। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साहब, मैं मनोज और थे देख रहे हो दिल को चूरू चैनल पर। नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू जिले स्पेशल कवरेज देश का। देपाल सिंह के अंदर मौजूद है गणेश जी मंदिर है और आस्था की बात करांग अठेगी और जाननी अठेगी स्त्री की करांग। दूसरी मंदिर की जी खासियत की बात कर लिया तो दक्षिण है जी कहूँ मुँह है मुँह मंदिर जितना भी मंदिर है वह पूर्व या पश्चिम है मंदिर है जी कहूँ मुँह अपने मुख्य देखने मिले है। और एंग पीछे भी एक स्त्री है क्योंकि अठेगी जी का चेजारा मानस को है जो भी निर्माण पहले करवाई जी हो कोशिश पूरी करी कि अन्य भी पूर्व तय मुँह कर लिया लेकिन अठेगी स्त्री व जाननी अठेगी पुजारी हूँ और अठेगी जी का सेवा करे बहुत कोशिश करा। गणेश जी मंदिर की हिस्ट्री यह है कि इनकी स्थापना जोधपुर की राजकुमारी थी, उसके स्वप्न में ये गणेश जी का दर्शा हुआ और वो अपने साथ आदमी लाई और यहाँ पर इनकी खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के दौरान ये मूर्ति निकली नहीं, फिर उसने यहाँ पर तपस्या करी और ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ से निकली। और ये माना जाता है कि ये मूर्ति दक्षिण मुखी है तो वहाँ के उसमें पुजारी थे उसने ये पूर्व दिशा में शुभ माना जाता है ये मूर्ति उस दिशा में करवाई तो यह मूर्ति स्वयं दक्षिण मुखी हो गई। यह देख ये एक दो बार किया गया उसके बाद इसे दक्षिण मुखी रखा गया। बैठे हुए जिका भी मिस्त्री हा या पुजारी बैठे मतलब पूर्व की और मुंह करने की कोशिश करो लेकिन ऑटोमेटिक होगी। हाँ ये ऑटोमेटिक हो गई। अच्छा दूसरी मुख्य रूप में यदि मेला की बात कर लिया या मुख्य रूप दिन की बात कर लिया तो कौन सो रहा बुधवार में रवे और वार्षिक टाइप के प्रोग्राम रहे कोई रवे की विशेष भादवे की शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी रवे जो बड़ो मेलो भरे काफी जनता पूरा आवे जी कहना पा जहाँ गणेश चतुर्थी सामान्य बस हम कहा बेदिन भोजन रहे बेदिन बेदिन कोई स्पेशल चीज हो जाए लड्डू वगैरह कोई सुहामण को लड्डू मने पूरे बड्डू पूरे गांव में और जितना भी यात्री उरावे बटे बंटे हो। दूसरों मंदिर की ऊंचाई की बात ऊंचाई पर मौजूद है काफी तो एंग में भी कोई विशेष रीजन है कि यो ऊंचाई पर जो टील हो और खुदाई करे जदे यो स्थापना हो रही करी टील पर ऊंचाई पर करवाई जो थारो परिवार है वो तकरीबन कितना साल में सेवा कर रहे हो शुरू थे जुड़े रहो या क्या जुड़े शुरू से हमारी पीढ़ी जुड़ी है उससे चार पांच पीढ़ी होगी और लगातार पूजा कर रही है। थारी पीढ़ी जुड़ने को कोई विशेष रीजन रहे हाँ बी टेम वे जब राजकुमारी भी साथ में वे पंडा हाँ जो भी वे अन मार परिवार ने यो मंदिर सौंपियो कहते हैं पूजा पाठ करो जिससे आज पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे। और आज की राजकुमारी की बात बता रहे हो तकरीबन कितना साल पहले की ये 200-300 वर्ष पहले की बात है रजवाड़ा टाइम की। अरे मतलब अपनी चौथी पीढ़ी यदि 100 साल करके कन्वर्ट करा तो चौथी पीढ़ी थी चौथी पीढ़ी समथिंग बे टाइम जी आप खुदाई है वह आता हूँ वगैरह में करी थी हम भाई आपके हिसाब से व्यवस्था करी है साथ में वह राजकुमारी तो आपके साथ में सैनी वगैरह या आदमी लाइए जिस हिसाब से या खुदाई करवाई भी दौरान या मूर्ति निकली। दूसरी श्रद्धालुओं की बात कर ले तो कठे कठो श्रद्धालु आवे श्रद्धालु ज्यादातर चूरू रत्नगर और अपने आसपास के इलाका से खूब आवे। ये मंदिर को जहाँ आसपास से वो आनो चाहे कोई तो एड्रेस की है गाँव देपाल सर डिस्ट्रिक्ट चूरू लाग रही है चूरू आनो पड़े चूरू से रोड है देपाल सर के लिए सीधा साधन मिले टेम्पो मिले जो आपकी व्यवस्था से आवे है। और वो काफी मंदिर है जी ऊंचाई ऊपर है राठौर साहब तो आस पास दिखाना चाहवा तो काफी ऊंचाई पर है क्योंकि पहले और टीले ऊपर मंदिर हो और मुख्य रोड आगे जारी है और अब मैं ऊंचाई ऊपर मौजूद हूँ विक्रमा स्थल एक समाधि स्थल और शिवालय है जो मंडेड़ो है और अपने आप में चीज भी अद्भुत है ऊंचाई ऊपर आदमी इतना साल पहली है इतनी टेक्नोलॉजी तैयार करनी आदम अपने सड़क वगैरह बनावा हाँ वे भी थोड़े से ध्यान अंदर टूट जा रहे हैं तो अटेलों ऊपर मतलब कितनी कारीगरी भी करी जी आ भी चीज समझ आ रही साथ ही साथ है क्योंकि एक मंदिर है मंदिर की अलग आस्था है लेकिन टेक्नोलॉजी है वही यदि बात कर तो मैं काफी पुरानी रेडी है और ये चीज पुरानी अपने समझ में भी आ रही है। अच्छा एक अंग मैंने और कौन सी मूर्ति की स्थापना फिलहाल करी जी इन जीवन माता जो आपने पास में घांगू है जन्म स्थल है बाई माता जी की है और बालाजी की है और ऊपर शिवालय है जो भी मंदिर के टेम के साथ में मनेड़ू है। चूरू का देपाल सर स्पेशल कवरेज ही थारा फीडबैक साथ ही साथ बताइए और जितनी भी मंदिर स्पेशल कवरेज रहे वहाँ अपनों उद्देश्य वही रहे
जो भी हिस्ट्री है पुरानी बाने जान सकें, जी कि आज की कवरेज में भी सुन आई है। अपना उद्देश्य कोई धार्मिक भावना ने ठेस पहुँचाणो और नहीं कोई पाखंड वगैरह फैलानो है। जय चुरु, जय राजस्थान, जय हिंद।